अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ देर पहले जब मैंने ट्वीट किया कि मैंने बोल छोड़ दिया है, तो बोल की इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बयान किया गया कि ये एक नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड है और इसके अलावा इन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है। तो मैं अपने बोल के तमाम पुराने और साबिक साथियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि उनको सब पता था, उनके सब इल्म में था और झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को। उन्हें तमाम बातें मालूम थी, उन्हें पहले से बता दिया गया था। फिर ये उन्होंने कहा कि ये एक प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। तो प्रोफेशनल एटीट्यूड एक प्रोफेशनल इदारे में अच्छा लगता है। वैसे मैंने प्रोफेशनली उनको हर चीज़ बता दी थी, उनकी तमाम गाड़ियाँ उनको वापस कर दी थी। सिर्फ एक गाड़ी मेरे पास मौजूद है, मेरे ड्यूज क्लियर होंगे, मैं वो गाड़ी भी वापस कर दूंगा, बाकी मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि पिंडोरा बॉक्स खुले और बहुत सारी बातें कही जाएं, क्योंकि फिर बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और ये बात याद रहनी चाहिए कि ऐसे नहीं चलेगा प्रोग्राम, मैं ही किया करता था। इसी हवाले से मैं इस वीडियो के ज़रिए उन तमाम शख्सियात का नाम लिए बगैर, क्योंकि बहुत सारी शख्सियात हैं जिनकी दिल आज़ारी हुई ऐसे नहीं चलेगा के ज़रिए से, मैं उनसे तहे दिल से माजरत चाहता हूँ, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ और हो सके तो वो मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि ये इंतज़ामिया की पॉलिसी थी। मैं एक बहुत दूसरे टाइप का आदमी हूँ, सॉफ्ट इंसान हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझसे कहलवाई गई वो मैंने कह दी थी। इसलिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, तमाम लोगों से मैं माजरत चाहता हूँ। और बोल की प्रेस रिलीज बिल्कुल गलत है, उन्हें चाहिए कि मेरे ड्यूज़ क्लियर करें और अपनी गाड़ी ले जाएँ। अल्लाह हाफिज़।